हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल यादव फिर से आ गई हूँ मैं नई रेसिपी शेयर करने के लिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और कैप्सिकम की सब्जी। उसके लिए आपको चाहिए ऐसे कैप्सिकम टुकड़े किए हुए और ये बॉईल किया हुआ आलू, जिसे मैंने 80% बॉईल किया है ताकि वो एकदम से टूट ना जाए। अब ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है और उसमें हम डालेंगे जीरा। मुझे जीरा ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और डालेंगे हींग और उसमें जाएगा ये हल्दी पाउडर। अब सभी को अच्छे से हो जाने के बाद हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम के टुकड़े, ये मैंने चौरस चौरस कट किया है। हम इसमें कैप्सिकम को अच्छे से हिलाकर हम उसमें डालेंगे जो हमने कट किया हुआ था टमाटर के टुकड़े। ये हम टमाटर के टुकड़े डालने के बाद हम टमाटर और कैप्सिकम को पक जाने देंगे अच्छे से, उसको छोड़ देंगे पकने के लिए। और ये देखिए हमारा कैप्सिकम पक गया है। अब हम उसमें क्या करेंगे, बीच में इसे थोड़ी जगह कर कर यहाँ पर जो तेल बीच में आता है उसमें हम ये लाल वाली चटनी आती है लहसुन और मिर्च की, उसमें हम पानी डालकर उसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मिर्च का कलर है वो अच्छे से आ जाए। अब हम उसमें डालेंगे धनिया पाउडर, सूखी लाल मिर्च, नमक और हमारा बॉईल किया हुआ आलू। उसको सभी को हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। तो ये हमारी तैयार है आलू और कैप्सिकम की सब्जी। और उसमें मैंने थोड़ी चीनी डाली है खट्टा मीठा स्वाद लाने के लिए। ये देखिए तैयार है हमारी आलू कैप्सिकम की सब्जी। ये बहुत ही अच्छी लगती है, बिल्कुल टिंडे की सब्जी के जैसे ही लगती है। आप भी ट्राई कीजिए। अभी के लिए बाय बाय।